शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में हुई भेड़ों की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि अमोला थाना क्षेत्र में चार बदमाशों ने रात के समय एक कार से भेड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया था। फरियादी ने इसकी शिकायत अमोला थाने पर दर्ज कराई थी। अमोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में से एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपियों के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। छह आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूटी गई भेड़ों के 27 नगों में से 5 को बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से एक मारुति कार को भी जब्त कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हासिल किया क्या पूरा मामला है सर? ये इसे अज्ञात व्यक्ति ने लेकर चला गया था और उसके पत्थर से उसने मारपीट भी की थी। अमोला में 1994 लूट का अपराध दर्ज हुआ था। पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी और हमें सूचना मिली कि अपराधी जो है कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद यहाँ की पुलिस टीम वहाँ पर गई और अपने सूत्रों के आधार से उसे वहाँ पर दर्ज पहुँचा। एक अपराधी प्लस वर्टिका कार जिसमें 27 ढेर डाल के ले गए उसे जो है वहाँ से जब्त किया गया है। आरोपी को पकड़ा गया है। ये सातवें अपराधी है। उनके साथ 3 अपराधी और थे। उनके काफ़ी अपराधी रिकॉर्ड वहाँ पे हैं। सर टोटल हमारी पुलिस टीम अभी वहाँ पे लगी हुई है जो वहाँ और अपराधियों को करने की प्रयास कर रहे हैं। 5 ढेर उनके कब्जे से जो अपराधी मिला है उसके कब्जे से मिला है। हाँ अपराधी का ये सभी अपराधी में गैंग बना के 2-3 गाड़ी रखे हुए अपने पास में, ये जहाँ तहाँ रेकी करके ओमलेंट करके और वहाँ से ये भेड़ बकरी या कोई ऐसी चीज उठा के लेके चले जाते हैं। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।